A city in Madhya Pradesh, famous for its cotton handloom and street food. Also, best known for its palaces, its most delicious food and beautiful temples. In India, it has won the Cleanest City Award. Yes, you are right. I am talking about Indore. So, hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. So, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 best places to visit in Indore. So, let's start with this video now. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाउ टू विजिट इंदौर. सो अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो इट इज़ कनेक्टेड विद ट्रेन विच इज़ आर रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय बस और बाय कार विच इज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड बाय फ्लाइट विच इज़ आर एयर ट्रांसपोर्टेशन. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाय रेल. तो बाय रेल में जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसका नाम है इंदौर जंक्शन, जो कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है मेजर सिटीज़ के साथ, विच इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं बाय फ्लाइट. सो इंदौर का खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बाय द नेम इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे मेजर सिटीज़ वही दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ जितने भी फ्लाइट्स हैं वो इंदौर पे लैंड करती हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की, विच इज़ बाय कार. तो अगर आपने मेरी गोवा टू दिल्ली सीरीज़ फॉलो करी है, या फिर आप दिल्ली टू गोवा सीरीज़ कह लीजिए, आपने अगर मेरी दिल्ली टू गोवा सीरीज़ फॉलो करी है, उसमें मैंने एक एपिसोड बनाया था गोवा टू दिल्ली का 2 पार्ट्स में, जिसमें पहले पार्ट में गोवा टू शिरडी आए थे, दूसरा एपिसोड था हमारा शिरडी टू इंदौर और तीसरा था इंदौर टू दिल्ली. तो अगर आपको इंदौर टू दिल्ली या वाइस वर्सा आपको अगर पूरी डिटेल जाननी है, इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो आप मेरी उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा. उसमें आपको टोल्स, पेट्रोल सब कुछ मिलेगा. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ दिल्ली से, तो दिल्ली से इंदौर का जो रास्ता है दैट इज़ अराउंड 823 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं ये अपने घर से बता रही हूँ. और इसकी जो जर्नी है वो 14 आवर्स की पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन अगर ट्रैफिक है नहीं है तो वो ऊपर नीचे हो सकता है. और तीसरा अगर मैं बात करूँ टोटल टोल्स की जो हमारे लगे थे इंदौर से दिल्ली आते टाइम, तो दैट वाज 1,250 रुपीज़. इन केस यू वांट, व्हाट आई कैन डू इज़, तो जो हमारे इंदौर से दिल्ली तक के जो हमारे टोल्स लगे थे उसका स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो में भी यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ताकि आपको एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितना कितना कहाँ कहाँ पे टोल लगता है. सो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं. अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन इंदौर. अगर मैं बात करूँ, नंबर 5 पे आता है 56 दुकान. सो बेसिकली 56 का मतलब होता है 56 शॉप्स. तो ये इंदौर में एक जगह है जहाँ पे आपको 56 शॉप्स मिलेंगी, एग्जैक्ट 56 शॉप्स मिलेंगी. एंड वहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड कहा जाता है कि यहाँ पे आपको इंडियन क्विजींस और स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और रात के 10 बजे तक यहाँ की जितनी भी शॉप्स होती हैं वो खुली होती हैं. तो आप कभी भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं एंड यू कैन इन्जॉय स्ट्रीट फूड. और सबसे बेस्ट होता है इंडिया के क्विजींस अगर आप एक जगह पे आपको मिल रहे हैं अलग अलग, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. प्रेफर करिएगा कि आप यहाँ पे शाम के टाइम जा सकते हैं, हो सकता है शाम के टाइम बहुत सारी शॉप्स खुली हों एंड आपको बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. लोकेशन मैंने यहाँ लिख दी है एंड आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर आपको चाहिए तो मैं
वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबके गूगल मैप्स भी डाल दूँगी ताकि आपके लिए डायरेक्शन ईजी हो जाए। सो आप ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप चाहते हैं तो आपके लिए मैं करने को रेडी हूँ। फोर्थ हम लोग बात कर लेते हैं सराफा बाज़ार की। तो कहा जाता है सराफा बाज़ार दिन के टाइम पे एक गोल्ड की शॉप्स होती हैं वहाँ पे, मतलब गोल्ड बाज़ार होता है जहाँ पे आपको मेनली गोल्ड शॉप्स में ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन 8 बजे के बाद ये गोल्ड ज्वेलरी चेंज हो जाती है स्ट्रीट फूड में, यानी कि यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिलता है और बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड मिलता है। कुछ तो मैंने आपको दिखा दिए थे, बस ओनली फैक्टर वॉज कि हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, दैट वॉज बिफोर 8 PM अराउंड 6:37, जिसकी वजह से हमें इतना एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। बट डेफिनेटली हम लोग इंदौर एक बार और जाएंगे, अच्छे से विज़िट करेंगे और अच्छे से सराफा बाज़ार को 8 बजे के बाद ही एक्सपीरियंस करेंगे। और इस बार ही वो नहीं ट्राई करेंगे जो हमने इस बार ट्राई किया था, इस बार हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। तो सराफा बाज़ार में अगर आप मेनली स्ट्रीट फूड के लिए जा रहे हैं तो उसके टाइमिंग्स हैं रात के 8 बजे से रात के 2 बजे तक, तो आप इस टाइम के बीच में कभी भी जा सकते हैं अगर आप स्ट्रीट फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं खजराना गणेश टेंपल की। तो ये जो मंदिर है ये गणेश जी को डेडिकेट किया गया है, क्योंकि कहा जाता है ये मंदिर जो है वो अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था ताकि वो जो गणेश जी का मूर्ति है, गणेश जी की जो मूर्ति है उसको सेव कर सके, उसे संभाल सके, बचा सके। और ये मंदिर इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं यानी जो भी डिवोटीज आते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आके कुछ मानता है, कोई अपने इच्छा रखता है तो उसको कभी निराश नहीं किया जाता, उसकी बात को हमेशा पूरी किया जाता है, उसकी जो इच्छा होती है, विश होती है वो हमेशा पूरी होती है। तो इसके जो टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से 12 बजे तक, तो दोपहर के 12 बजे के बाद द्वार बंद हो जाते हैं कुछ घंटों के लिए, क्योंकि भोग होता है भगवान का और उनका आराम करने का, विश्राम करने का समय होता है बेसिकली। उसके बाद द्वार फिर से खुलते हैं और उसके टाइमिंग्स होते हैं शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। और यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दूँगी। नंबर 2 आ जाता है हमारा लाल बाग पैलेस। तो लाल बाग पैलेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्लिम्स मिल सकते हैं हमारे एंशंट इंदौर के, जब होलकर जो थे वो हमारे इंडिया पे या इंदौर पे जब रूल करते थे तो लाल बाग पैलेस में इंदौर का वो जो टाइम था जब इंदौर वैसा लगता था, वो पूरी हिस्ट्री आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। कहा जाता है यहाँ का जो आर्किटेक्चर है पूरा डिटेल में है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से देखने को मिलेगी और साथ ही साथ इसके जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और स्पेक्टाकुलर है। तो इसकी लोकेशन ये है, इसकी जो फीस है सबसे बेस्ट फीस है इसकी, सो इसकी जो एंट्री फीस है वो है 10 रुपीज़ पर पर्सन। तो कितने भी लोग जाएं इजीली आप इस जगह को जाएं, विज़िट करें, इस पैलेस को एक्सप्लोर करें। ऑल्सो इसके टाइमिंग्स हम सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और कहा जाता है ये इंदौर एयरपोर्ट से 7.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर पड़ता है। अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्स्ट उसकी बात कर लेते हैं, विच इज़ राजवाड़ा पैलेस। वो एक हिस्टोरिकल पैलेस है जो बनाया गया था बाय द होलकर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जो होलकर्स थे मुगल एम्पायर के, उन्होंने ये हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर बनाया था, ये राजवाड़ा पैलेस बनाया था। तय कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसके रॉयल आर्किटेक्चर के वजह से। एंड डू यू नो व्हाट, लाल बाग की तरह राजवाड़ा पैलेस का भी जो एंट्री फीस है दैट इज़ ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप ज़रूर यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। इंदौर की सबसे ज़्यादा स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत हिस्ट्री देखने को मिलेगी, बहुत हिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। एंड आई बिलीव कि इंडिया के बारे में जानना, इंडिया की हिस्ट्री जानना, हम थ्योरी हमेशा पढ़ते हैं, हम पूरे स्कूल टाइम में हिस्ट्रीज पढ़ते रहते हैं, इवन स्कूल के बाद भी हम कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस करना, उनको उन जगह को जाके देखना इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो
तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे भी आप ज़रूर विज़िट करें। इसके जो टाइमिंग्स हैं ये मंडे को बंद रहता है, तो ट्यूसडे से संडे तक का अगर मैं आपको बताऊँ 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी। और अगर मैं एयरपोर्ट से बात करूँ तो एयरपोर्ट से इसका अराउंड 6.8 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, तो आप इस जगह पर भी विज़िट कर सकते हैं। एंड आई बिलीव दिस वॉज इट फॉर प्लेसेस टू विज़िट इन इंदौर। I don't have anything else to share right now. अगर आपको कोई ऐसी जगह पता है जो मैंने मिस कर दी तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि मैं फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ वापस इंदौर विज़िट करना और अच्छा खासा टाइम लेके विज़िट करना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं वो जगह एक्सप्लोर कर सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ वो जगह। एंड yeah, this was it for this video. I hope you liked it. So if you did, don't forget to like this video, share it with your friends and families. Please subscribe to my channel or bell button bhi baja do taki main jo bhi jagah visit karu, jo bhi nayi video dalu, aapko sabse pehle pata chale. So yeah, aur comment karna bhuliyega nahi ki aap kaun si jagah chahte hain ki main visit karu. And yeah, so bye guys, take care, stay safe.